हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में टेक पावर सॉल्यूशंस में। और गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी गन लेनी चाहिए, गन के अंदर आपको कौन कौन सी ग्रिप्स लगानी चाहिए, कौन कौन से मतलब स्कोप उसमें अच्छे रहेंगे। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको शर्त लगा कहता हूँ कि आप दोबारा यूट्यूब पर सर्च इस बारे में नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम काम करते हैं AR गन्स के ऊपर। तो जो सी AR की गन्स है ना, एक तो है 7.62 वाली, एक है 5.56 वाली। जो सी 5.56 वाली गन है ना, वो उनका रिकॉयल बहुत कम है, हिलती नहीं है ज़्यादा। लेकिन जो सी 7.62 वाली है, जैसे कि M762 AKM, ये बहुत हिलती हैं। अगर आपको चाहिए डैमेज, मतलब आप बंदे को क्लोज रेंज मारते हो और आपको डैमेज लेना है, तो आप AKM का यूज़ करो विदाउट स्कोप। कोई स्कोप मत लगाओ, रेड डॉट मत लगाना, विदाउट स्कोप रखना, बहुत अच्छी रहेगी क्लोज रेंज के अंदर। अगर उसमें आप स्कोप लगाओगे 2 या 3, 4, 6 का तो भूल ही जाओ, 4 का भूल जाओ, 2-3 का स्कोप लगाओगे या 4 का 6 का जिसका भी लगाओगे तो बहुत ही लगेगी गन। लेकिन अगर आप कंपनसेटर सप्रेसर मत लगाना, सप्रेसर से रिकॉयल बढ़ जाएगा, कंपनसेटर लगा लेना। कंपनसेटर के लगाने के बाद आप स्कोप हटा देना, गन आपकी मतलब इतना डैमेज है ना, सबसे बढ़िया गन है वो डैमेज के हिसाब से। अब अगली बात, अगर आपको स्कोप लगाना है 4 या 6 का, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप M416 यूज़ करें, क्योंकि M416 का मतलब जो सा स्पीड रेट है, जो उसकी बुलेट की स्पीड रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और उसका डैमेज भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक नहीं मतलब बढ़िया डैमेज है उसका, तो आप वो यूज़ कर लेना। और अब आपको कंपैरिजन करना है AKM और M762 के अंदर, तो मैं आपको बता दूँ M762 का डैमेज थोड़ा सा कम है AKM के रिलेटिव, तो आप AKM ही यूज़ करना। और अब बात करते हैं हम KOBZ के बारे में और M416 के बारे में। तो आप M416 यूज़ करना है, क्योंकि KOBZ का जो सा स्पीड रेट है बुलेट्स का वो बहुत कम है, लेकिन एज कम्पेयर टू M416। और अगर आप स्कारल उसके कंपेरेटिव यूज़ करोगे, स्कारल एक मतलब रिकॉयल नहीं होता उसका, स्टेबल गन है, लेकिन उसमें मतलब उसका डैमेज बहुत ज़्यादा कम है स्कारल का। तो AR में मैं सजेस्ट करूँगा आपको M4 या फिर आप यूज़ करें AKM बेस्ट गन है। अगर आप विदाउट स्कोप यूज़ करनी है विद कंपनसेटर, और M416 सब यूज़ कर सकते हैं विद सप्रेसर और कंपनसेटर एज यू विश। अगर आप स्कोप लगाओगे तो मैं आपको कंपनसेटर प्रेफर करूँगा, अगर आप क्लोज रेंज में मारना चाहते हो M4 के साथ तो मैं आपको AKM प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर आपको M4 यूज़ करनी है, तो काफ़ी लोगों की मतलब फेवरेट होती है M4, तो आप विद उसको सप्रेसर भी यूज़ कर सकते हो क्लोज रेंज में, लेकिन उसमें रेड डॉट या होलोग्राफिक साइड जरूर लगा के रखना, लेकिन AKM इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम जो सी हमारी SMG की गन्स है। SMG की गन्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। SMG में हमारी आती है UMP9, Uzi। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, Uzi का फायर रेट ज़्यादा है, लेकिन Uzi में आपको डिसएडवांटेज क्या है, Uzi में आप स्कोप नहीं लगा सकते, मतलब Uzi में आप स्कोप वगैरह नहीं लगा सकते। ये स्कोप का काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज होगी, अगर आप स्कोप नहीं लगा पाओगे यार तो काम नहीं चलेगा। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूँ, अगर आप UMP9 को यूज़ करते हो, उसका डैमेज रेट थोड़ा कम रहेगा AR की गन से, लेकिन अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसमें आप विद सप्रेसर यूज़ करना, क्योंकि उसका रिकॉइल इतना ज़्यादा नहीं होता, कंपनसेटर लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्या स्टेबल करोगे, ज़्यादा स्टेबल करने क्या करोगे। अगर आपको पूरी स्टेबल चाहिए, एक नंबर स्टेबल, तो आप कंपनसेटर लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सप्रेसर लगा लें SMG वगैरह के अंदर। SMG के अंदर मैं आपको प्रेफर करूँगा UMP9, बेस्ट गन है, हिलती भी नहीं है, रिकॉयल नहीं है उसका ज़्यादा, और फिर सप्रेसर यूज़ करोगे तो पूरी बढ़िया रहेगी। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सारों में ना थंब ग्रिप यूज़ करा करें, हाफ ग्रिप यूज़ करोगे तो हाफ ग्रिप जब आप फायर करोगे ना तो वो रिकॉयल को बढ़ा देती है, लेकिन थंब ग्रिप रिकॉयल को कंट्रोल करती है और सही रहता है। मतलब आप थंब ग्रिप ही यूज़ करें, मेरी प्रेफरेंस है, आगे आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं स्नाइपर्स के लिए। तो स्नाइपर्स के लिए जो सी आपकी हमारी मेन स्नाइपर्स होती हैं वो यही हैं, AWM, Kar98, Mini 14, SKS एंड SLR। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप SLR यूज़ मत करें। SKS का थोड़ा ही मतलब हिलती बहुत है, रिकॉयल बहुत ज़्यादा उसका, लेकिन उसका डैमेज ठीक है, तो SKS को भी मैं साइड में रखता हूँ। और हमारे पास आती हैं मिनी को भी मत यूज़ करना। आप यूज़ करना या तो M24 यूज़ करना। M24 मिलना थोड़ा मुश्किल है, ओम तो फिर भी ड्रॉप्स मिल जाती है, M24 थोड़ी मुश्किल सी मिलती है एयर एंकल में खासकर। तो M24 आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको Kar98 और M24 में कंपैरिजन, तो आप M24 यूज़ करो, डैमेज ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, मतलब
और तीनों मतलब स्नाइपर से जोन सी उस पर सप्रेसर जरूर करके रखना, सप्रेसर लगाओगे तो काफ़ी आपकी मदद हो जाएगी। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपको ओम मिलती है सबसे बेस्ट है, सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस देना चाहूंगा M24 को, थर्ड नंबर पे कार 98। कार 98 भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कार 98 के लिए आपको हेडशॉट मारना पड़ेगा, बॉडी शॉट आपको 3-4 मारने पड़ेंगे तब जाके एक बंदा नॉकआउट होगा। लेकिन M24 में आप 2 शॉट से कर सकते हो अगर बंदे के पास लेवल 3 का हेलमेट, सॉरी लेवल 3 की वेस्ट है। और ओम से तो यार आपको पता ही है, 1 kill 1 shot होता है पूरा। और मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जो सा लास्ट सर्कल होता है सभी गन्स पे आप सप्रेसर यूज़ करें, चाहे वो AKM हो, क्योंकि लास्ट सर्कल में आपको लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, इससे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो उनसे पबजी खेलते हैं उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी।